नीतूज किचन स्टोरीज और मैं हूँ नीतू। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं एक पनीर रेसिपी और वो भी अमृतसर की, तो डेफिनेटली टेस्टी होगी, रिच होगी। हम बना रहे हैं पनीर भुर्जी अमृतसरी स्टाइल। तो देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। एक प्याज लिया है, रफली चॉप कर लीजिए। एक छोटा टमाटो, कैसे भी आप चॉप कर लीजिए रफली। 1 इंच अदरक और 5-6 क्लोव्स गार्लिक के फाइनली चॉप। 1 मिर्ची, धनिया, ये है 1 टेबलस्पून बेसन, ये है मलाई पनीर, इट्स लिटिल मोर देन 200 ग्राम्स, ये है बटर, अमूल बटर, अंधाधुंध यूज कीजिए, जोक्स अपार्ट 3-4 टेबलस्पून यूज करेंगे। और लूंगी मैं कुछ बेसिक मसाले, ये जैसे ही यूज करती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून घी। तो स्टार्ट करते हैं यमी सी अमृतसरी भुर्जी बनाना। घी गरम करना शुरू कर दिया है। अमृतसरी भुर्जी थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली होती है, एकदम सूखी नहीं होती। जैसे ही घी गरम होगा हम डालेंगे बेसन और इसको भूनेंगे। आपको प्याज और टमाटर कम लग रहा होगा पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि हम ये बेसन का एक मसाला बना रहे हैं और ये हम यूज़ करेंगे अपनी भुर्जी में, इसलिए छोटा प्याज और छोटा टमाटर ही लिया है। बेसन भूनने की तो बहुत अच्छी खुशबू आती ही है, वही आना शुरू हो गई है, कलर चेंज हो गया है बेसन का। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले, 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और इसको अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। मसालों के साथ मिक्स हो गया है और देखिए कैसे कलेक्ट हो गया है बेसन। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, अबाउट 2 टेबलस्पून पानी। ये देखिए बेसन कैसे फूल गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग से बोल में। ये है अबाउट 3 टेबलस्पून बटर। गरम होते होते ही हम इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज ट्रांसलूसेंट होने शुरू हो गए हैं, तो अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन भुन गया है, अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची और टमाटर। ये हमने सॉल्टेड बटर डाला है, तो ध्यान रखिएगा नमक का, अबाउट 1/4 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। इस भुर्जी में टमाटर के चंक्स दिखने चाहिए, इसलिए इसको रफली ही चॉप कीजिए और ज़्यादा इसको नहीं हमें गलाना है, पर पकाना ज़रूर है। टमाटर देखिए हल्के से पकना शुरू हो गए हैं। ये है मलाई पनीर और इसको हम हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। ये सारा पनीर मैंने हाथों से क्रम्बल कर लिया है।
इसमें अब हम डालेंगे अबाउट 2 टेबलस्पून जो हमने बेसन बना के रखा है वो डालेंगे और मिक्स करेंगे। और डालेंगे अबाउट 2 टेबलस्पून पानी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता है, हल्की सी थिक ग्रेवी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, ग्रीनरी वॉज मिसिंग। अब डाल देंगे पनीर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट हम ढक के पकाएंगे। ये देखिए 2 मिनट के बाद कैसे बटर ऊपर आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ, आप इसमें मलाई पनीर ही यूज़ कीजिए, उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसी से इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारी पनीर भुर्जी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। और इसको खाते किसके साथ हैं? रोटी के साथ नहीं खाना, बताती हूँ किसके साथ खाते हैं। प्लेट में एक में आप सैलड बना के रख दीजिए, एनी सैलड ऑफ योर चॉइस। प्याज रख दीजिए, चटनी डाल दीजिए और पनीर भुर्जी इसमें सर्व होगी। ये देखिए भुर्जी डाल दी है और इस पे हम डालेंगे हरा धनिया। टेम्प्टिंग लग रही है ना? और मैंने आपको बोला ना रोटी के साथ नहीं खाना है, क्योंकि इसको खाते हैं ब्रेड के साथ। तो हमारी बहुत ही यमी गर्मा गर्म अमृतसरी पनीर की भुर्जी एकदम तैयार है। इसको एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।